ठीक है, एक दिन भी ठीक है, मैं टाइम का भी देने वाला नहीं हूँ, मेरे पास में कुछ नहीं है, मैं नहीं देने वाला हूँ। तो पंडा जी का देखिए महाराज, अब आ गए हो तो आपको एक रुपया का संकल्प तो करना पड़ेगा। इसने कहा, मैंने कहा है ना, मैं एक रुपया क्या, मैं चवन्नी भी देने वाला नहीं हूँ। बोले एक रुपया तो आपको दान करना पड़ेगा। तो इसने कहा कि जेब में कुछ है तो नहीं, बहाना करके चला जाता हूँ ये, क्योंकि जाने नहीं देगा। तो पंडा जी ने तुरंत संकल्प दिलवाया, एक रुपये का संकल्प। बोला अभी मेरे पास में नहीं है, घर पर आओगे ना तब दे दूंगा संकल्प। ठीक है, मैं छोड़ रहा हूँ। संकल्प ले लिया और ये घर आ गया, थका वाला घर आया था, पानी आदि पिया। इतने में बाहर से आवाज आई, तो यही पंडा जी द्वार पर पहुंच गए थे। जैसे ही बाहर से अंदर आवाज आई, पत्नी ने बाहर गेट खोल करके देखा, तो पंडा जी ने कहा कि आपके श्रीमान जी एक रुपये का संकल्प करवा के आए थे गंगा के किनारे, तो मैं मांगने के लिए आया हूँ। तो तुरंत पत्नी ने अंदर आकर के कहा, और ये लेटा ही था, आया था थका हुआ, पैदल गया, पैदल ही आया था। तो पूछा कि आप किसी को एक रुपये का संकल्प करवा करके आए थे? बोले हाँ। बोले आ गई क्या? बोले हाँ, द्वार पर खड़े हैं। तो बोले अरे इतना जल्दी आ गई, मुझे तो इतना टाइम लगा। बोले हाँ, वो द्वार पे खड़े, क्या कहना है? बोले जाकर के कह दो कि यजमान जी की तबीयत खराब है, ये हमारे 3-4 दिन बाद आना। पत्नी ने बाहर आकर के कहा कि महाराज ऐसा है कि श्रीमान जी की तबीयत खराब हो गई है, 2-4 दिन बाद आना। तो इसने पंडा जी भी कोई साधारण तो थे नहीं, पंडा जी का ऐसा यजमान जी की तबीयत अगर खराब है तो हम कैसे जा सकते हैं, हमारी भी व्यवस्था यही कर दीजिए, आटा दाल पानी सब यही कर दीजिए, हम यही खाएंगे और यही भजन करेंगे। पत्नी ने अंदर आके कहा कि वो तो ये कह रहे हैं। तो इसने बोला बड़ा खराब है, पीछे पड़ गया एक रुपया के लिए। पत्नी ने कहा तुम दे दो एक रुपया, तुमसे भी तो नहीं छूट रहा है। बोले मुझसे तो नहीं छूट सकता एक रुपया, ऐसा करोगे आप जाकर के कह दो कि वो तो मर गए तब तो चला जाएगा। पत्नी ने बाहर आकर कहा कि वो तो मर गए हैं। तो पंडा जी कोई साधन तो थे नहीं, पंडा जी ने कहा कि अगर वो मर गए हैं तो फिर बिना अंतिम संस्कार के हम घर कैसे जा सकते हैं, तो इसीलिए हम अंतिम संस्कार करेंगे तभी जाएंगे। पत्नी ने कहा जला देंगे लोग तुम्हें। तो कहने लगा कि भले जला दे मंजूर है, लेकिन एक रुपया देने के मैं नहीं दे सकता। लोग उठा करके शमशान घाट पर भी ले गए, चिता पर भी लेटा दिया, लेकिन ये बंदा उठा नहीं कि एक रुपया तो मैं दूंगा नहीं। श्री राम जी ने कहा कि संसार से भगवान में मुझसे संसार हार जाता है भैया, लेकिन तेरे से मैं हार गया हूँ। कान ने आकर के कहा कि मैं बैकुंठ धाम से आया हूँ तुम्हारे हित के लिए, जल्दी जल्दी आंखें खोलो। तो इसने सोचा भगवान है, आप जैसे खुली तो श्री राम जी ने वापस बंडा का रूप धारण कर लिया। इसने वापस बंद कर लिया, बोले चाहे कुछ भी हो लेकिन मैं आंख खोलने वाला नहीं हूँ। राम जी ने अंत में हार मान ली, बोला अच्छा उठ जा और घर जा, मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए, उल्टा तू वरदान मांग ले। तो इसने कहा वरदान भी देना है और जो गंगा के किनारे एक रुपये का जो आपने संकल्प लिया है, एक रुपया भी आपको दूंगा नहीं। तो श्री राम जी ने वो संकल्प भी तोड़वाया, बोला धन्य भैया, तेरा रुपया तू तेरे ही पास में रख। तो ऐसे कंजूसों के घर में अगर फंस गए तो फिर तो चाहे कितनी प्रशंसा करो वो देने वाले नहीं है। तो महर्षि अगस्त जी बार बार भक्ति की प्रशंसा कर रहे हैं। शिव जी समझ गए कि इन्हें भक्ति चाहिए और भक्ति ही श्री राम जी की चाहिए, राम जी की भक्ति मैं ही प्रदान कर सकता हूँ। तो शिव जी ने श्री राम जी की भक्ति प्रदान की और महर्षि अगस्त जी लेकर के प्रसन्न हो गए हैं। अब भगवान शिव जी माता सती के साथ में यहाँ से प्रस्थान करते हैं। अब वही त्रेता का समय था, उसी समय श्री राम जी जो है लीला कर रहे थे और भगवान शिव जी के मन में ऐसा विचार आया कि अभी अभी मैंने श्री राम कथा सुनी है, तो ऐसा करता हूँ कि कथा सुनने के साथ ही साथ में प्रभु के दर्शन भी हो जाए तो कितनी अच्छी बात है। तो यही विचार शिव जी के मन में चल रहा है और उसी समय भगवान श्री महादेव जी माता सती के साथ में आ रहे थे और श्री राम जी जानकी जी को ढूंढते ढूंढते रोते रोते वहां से भ्रमण कर रहे हैं। तो जैसे ही जानकी जी का हरण हुआ, श्री राम जी रोते रोते जा रहे हैं। श्री राम जी ने दूर से जैसे दर्शन किया, प्रणाम किया, जय सच्चिदानंद घन प्रभु आपकी जय हो, जय सच्चिदानंद घन प्रभु आपकी जय हो, 3 बार प्रणाम किया, तो श्री राम जी भी प्रसन्न हो गए और भगवान शिव जी ने दूर से ही 3 बार प्रणाम किया है। तो साथ में जो माँ सती थी वो मन में सोचने लगी कि मैंने सुना था कि बहुत बोले हैं, बहुत सीधे हैं, परंतु मैंने कभी भी ये नहीं देखा
इतना भोला तो कभी नहीं होना चाहिए कि चाहे जिसको प्रणाम करने लग जाए। अभी इतना साधारण राजकुमार है जो इसे यही नहीं पता है कि इसकी पत्नी का हरण किसने किया है, इसकी पत्नी को कौन उठा करके ले गया है, और ये इसको ही प्रणाम कर रहे हैं, ये कैसे भगवान हो सकता है। पर ठीक है, ये भले भोले प्रणाम कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन मैं प्रणाम करने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मेरे में तो बहुत बुद्धि है, मैं तो बहुत, मेरा तो दिमाग बहुत चलता है, इसलिए मैं प्रणाम करने वाली नहीं हूँ। शिव जी ने सोचा कि पड़ोस में कोई ना कोई खिचड़ी पकड़ी है, तो भोले बाबा ने सती माँ से कहा कि देवी जल्दी जल्दी प्रणाम करो, ये मेरी इष्ट है, मेरे भगवान ही जा रहे, जल्दी प्रणाम करो। तो माता सती का कौन, कहाँ जा रहे, बोले इधर जा रहे, कहाँ जा रहे, बोले देखो ना ये जो जा रहे रोते रोते मेरे भगवान है। तो माता सती ने कहा कि ये भगवान कैसे हो सकते हैं। जासु कथा कुंबजरी सी गाई, जासु कथा कुंबजरी सी गाई, भगवती जासु ने मुनि ने सुनाई, भगवती जासु ने मुनि ने सुनाई, जिनकी कथा मुनि के मुख से सुन करके आए हैं। देवी ये वही साक्षात भगवान नारायण ही है, साक्षात ब्रह्म ही है, ये श्री राम है, जल्दी जल्दी प्रणाम करो, नहीं तो कहीं निकल जाएंगे तो तुम बिना ही प्रणाम के रह जाओगी। तो माता सती ने कहा कि आप में तो बुद्धि नहीं है, लेकिन मेरे में बहुत तेज बुद्धि है, ये भगवान हो ही नहीं सकता है। अगर ये भगवान होते तो इन्हें पता होना चाहिए था कि इनकी पत्नी का हरण किसने किया है। तो शिव जी ने मुस्कुरा कर के कहा कि देवी यही तो श्री भगवान की माया है, जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश सबको ठग करके रखा है, ये ठगने वाली माया है श्री प्रभु की। और ये भगवान जो रो रहे ना श्री राम जी, ये लीला कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, अभिनय चल रहा है इनका। तो माता सती ने कहा कि ये कैसा अभिनय है, संसार के लोग तो और उल्टी शिक्षा प्राप्त करेंगे कि भगवान रो रहे हैं पत्नी के लिए, तो हमें तो और ज्यादा रोना चाहिए, तो ये तो उल्टी शिक्षा मिलेगी ना। तो भगवान शिव जी ने कहा कि प्रश्न तो आपने बहुत अच्छा किया है, लेकिन आपके पूछने के भाव में, शैली में बहुत अहंकार झलक रहा है, और जहाँ अहंकार होता है वहां मैं भगवान की कथा को नहीं कहता हूँ। तो शिव जी ने कहा वो सब बात तुम छोड़ो, तुम तो पहले प्रणाम करो। माता सती मानती नहीं है, शिव जी बार बार मनाते हैं, लेकिन मैया सती मानती नहीं कि भगवान हो ही नहीं सकते। तब भगवान शिव जी ने कहा कि देवी अगर आपको विश्वास नहीं है तो परीक्षा करके देख लो कि ये भगवान है कि नहीं है। तो उसी समय मैया सती तुरंत तैयार हो जाती है कि ठीक है मैं परीक्षा लेने जाती हूँ। तो शिव जी का चेहरा उदास हो जाता है और भगवान शिव जी ने कहा कि देवी मैंने तो हास्य विनोद में तुमसे कहा है कि ये भगवान है, तुम परीक्षा लेकर के देख लो, और तुम तो सही में परीक्षा लेने के लिए चल गई हो। याद रखना सती, ये संपूर्ण ब्रह्मांड का पिता है, और पिता के सामने परीक्षा ली नहीं जाती है, परीक्षा दी जाती है। इसलिए सती तुम मानो मेरी बात, ये ईश्वर है, संपूर्ण जगत का पिता है, और पिता की कभी परीक्षा नहीं ली जाती है। लेकिन माता सती ने तो चूंकि कथा में ही ध्यान दिया नहीं था, इसलिए मैया समझ नहीं पाई। माँ ने कहा ठीक है पर मैं जाऊंगी जरूर। तो शिव जी ने कहा कि ठीक है आप परीक्षा लेने के लिए जाओ, लेकिन विवेक को संभाल करके परीक्षा लेना सती, क्योंकि जिनकी परीक्षा लेने जा रही हो वो साधारण नहीं है, उनकी परीक्षा लेना इतना आसान नहीं है। इसलिए परीक्षा लेने के लिए भले ही जाओ, लेकिन बिल्कुल सावधानी पूर्वक विवेक को संभाल करके परीक्षा लेना, ये भगवान शिव जी ने माता सती से कहा था। तो मैया ने आधी बात सुनी और आधी नहीं सुनी, बोला हाँ ठीक है मैं जाती हूँ और अभी आती हूँ। देखो श्री सुग्रीव महाराज जी को भी श्री राम जी पर संदेह हुआ था, और सती माँ को भी श्री राम जी पर संदेह हुआ था, लेकिन सुग्रीव जी की विशेषता है कि वो सीधे नहीं गए श्री राम जी की परीक्षा लेने। क्या कहा कि मारुति नंदन आप जाइए और पहले इनको चेक करके आइए कि है कौन।
तो गुरु को भेजा सुग्रीव जी ने कि आप जाइए, मेरी सामर्थ्य नहीं इनकी परीक्षा लेने का। लेकिन माता सती ने गुरु को तो बैठा दिया है, भगवान शिव जी गुरु है तो गुरु को तो माने बैठा दिया कि आप बैठो और मैं खुद परीक्षा लेने के लिए जाती हूँ। तो भगवान शिव जी को मैया गुरु है, गुरु को बैठा दे कि आप बैठो मैं परीक्षा लेने के लिए जाती हूँ। इसलिए माँ के जीवन में इतनी करुण गाथाएं शुरू हो गई है। मैया ने कहा आप बैठो मैं जाती हूँ जरा परीक्षा लेकर गाती हूँ। शिव जी ने कहा थी कि जाओ पर विवेक को संभाल करके परीक्षा लेना। और शिव जी एकांत में बैठ गए। भगवान शिव जी ने मन में सोचा कि प्रभु मैंने तो सोचा था कि मेरे पास से प्रणाम करने में आपको जगत पहचान जाएगा, लेकिन मैं कितना भोला हूँ कि मेरे जगत तो ठीक है, मेरी पत्नी और मेरा चेला रावण ही आपको नहीं पहचान पाया है, तो जगत आपको क्या पहचानेगा। शिव जी के मन में ये भाव था कि दूर से प्रणाम करना चाहिए, अगर पास से प्रणाम करूंगा तो जगत के लोग जान जाएंगे कि श्री राम भगवान है और पोल पट्टी खोलना नहीं है, तो इसलिए भोले बाबा ने दूर से प्रणाम किया। तो अब शिव जी बैठे बैठे हंस रहे हैं कि मैंने सोचा था कि मेरे प्रणाम करने से संसार के लोग आपको पहचान जाएंगे, पर संसार के तो दूर की बात है, ये मेरी पत्नी ही पहचान नहीं पाई आपको और मेरे पास में खड़ी है, मेरा चेला रावण आपको नहीं पहचान पाया। श्री राम जी सबको समझाते हैं लेकिन श्री महादेव जी सबको समझाते, देखो तेरा पल पल बीता जाए रे मुख से जप ले नमः शिवाय, तेरा पल पल बीता जाए नमः शिवाय।
पूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी। मुसाफिरी जब पूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी। मुसाफिरी जब पूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी। पिंजरा प्राण रह जाइर मन से जप ले नमस्कार। पिंजरा प्राण रह जाइर भगवान श्री महादेव जी ने कहा कि मैं तो सोचता था कि जगत आपको पहचान जाएगा मेरे प्रणाम करने से, लेकिन यहाँ तो मेरी पत्नी सती और रावण ही आपको पहचान नहीं पाया है। शिव जी ने कहा कि अब जो होना है सो तो होगा सही। एकांत में बैठ करके शिव जी ने चिंतन किया कि जब क्या करे क्या ना करे ऐसी परिस्थिति में फंस जाए तो फिर निर्णय सब श्री भगवान पर छोड़ देना चाहिए कि आप जानो और आपका काम जाने। तो शिव जी एकांत में बैठ गए। श्री माँ सती परीक्षा लेने के लिए पहुंचती है। तो जैसी मैया सती परीक्षा लेने के लिए गई तो शिव जी ने कहा था कि देवी विवेक को संभाल करके परीक्षा लेना। तो माँ ने सबसे पहले विवेक को ही किनारे करके सोचना शुरू किया है। विवेक विचार पर लगाम रखते हैं और विवेक के द्वारा विचार को सही दिशा मिलती है। इसीलिए लोग बार बार साधु संत महात्मा लोग कहते हैं कि विवेक को संभाल करके परीक्षा लो। तो जब विवेक हट जाता है तो बुद्धि क्या मिलती है। माँ को परीक्षा लेना था तो कोई और स्वरूप धारण करके भी परीक्षा ले सकती थी, लेकिन मैया ने विवेक को हटाया और माँ ने सोचा कि परीक्षा लेना ही है ना, तो ऐसा करती हूँ कि इनकी पत्नी बन जाती हूँ, सीता का रूप धारण कर लेती हूँ और उसके बाद में मैं इनकी परीक्षा लेने के लिए जाती हूँ। और जैसे ही मैं सीता का रूप धारण करके जाऊंगी तो ये पहचान जाएंगे तुरंत कि सीता है, सीता है। और सीता समझ करके दौड़ करके मेरे पास में आएंगे और मेरे पास में आकर के मेरा हाथ भी पकड़ सकते हैं कि तुम कहाँ गई थी सीता। तो हाथ पकड़ने के अपराध स्वरूप मैं इनको श्राप दे दूंगी और श्राप दे करके मैं इनको पत्थर बना दूंगी। फिर अपने उन भोले बाबा को लेकर के आऊंगी और उन्हें दिखाऊंगी कि ऐसा तुम्हारा भगवान है जो मुझे ही पहचान नहीं पाया। तो यही विचार करके मैया सती ने तुरंत जानकी जी का रूप धारण किया है और पहले मार्ग पर खड़ी हो गई। तो श्री प्रभु का नियम है कि वो किसी भी जीवात्मा को एक बार में सजा नहीं देते हैं। तो श्री राम जी ने कहा कि मैं दो बार चेतावनी देता हूँ, अगर मानेंगे तो ठीक है और दो बार में अगर नहीं माने तो तीसरी बार में श्री प्रभु डंडा को उठाते हैं, बार बार माफ नहीं करते हैं। तो श्री राम जी ने कहा कि ये पहली बार आ रही है तो हो सकता है इनसे गड़बड़ हो गई हो। और इधर श्री राम जी मुस्कुरा रहे हैं, देखो लक्ष्मण सामने जिसने रूप धारण किया है वो कितने बिल्कुल व्यवस्थित स्वरूप धारण किया है। माता सती ने पूरा श्री जानकी जी का स्वरूप धारण कर लिया है। लक्ष्मण लाल जी जब पहचान गए कि भले ही आपने रूप धारण किया है लेकिन मैं आपको देख करके स्पष्ट बता सकता हूँ कि आप मेरी माँ नहीं हो, तो भला श्री राम जी क्यों नहीं पहचान पाएंगे। श्री राम जी ने भी देखा कि आपने स्वरूप तो बिल्कुल मेरी जानकी का धारण किया है, बिल्कुल सेम टू सेम, लेकिन आप एक जगह हार गई है, मेरी सीता का स्वभाव नहीं ला पाई हो।
मेरी सीता का स्वभाव है मेरे पीछे चलना, मेरे आगे चलना सीता का स्वभाव नहीं है। तो आपकी एक्टिंग में यही कमी आ गई और पकड़ में आप यही आ गई। अगर आप सीता रहती तो सीता पीछे चलती, आगे नहीं खड़ी रहती। तो श्री राम जी का, चलो ठीक है जो आपसे गलती तो हो गई है, तो श्री राम जी तुरंत वो रास्ता छोड़ करके दूसरे रास्ते पर चलने लग गए कि ये नहीं समझिए कोई बात नहीं, पर मैं तो इनको पहचान गया हूं ना, तो मुझे रास्ता देना चाहिए। तो श्री राम जी ने वो रास्ता छोड़ दिया। तो माता सती ने क्या सोचा कि मैं रो रही हूं ना तो मेरी आंख में आंसू है ना, इसलिए है ना इनको वो रो रहे हैं ना तो उनकी आंख में आंसू है, इसीलिए मैं दिखाई नहीं पड़ रही होंगी, तो इसलिए कोई बात नहीं दूसरे रास्ते पे मैं भी आती हूँ। तो श्री राम जी ने रास्ता बदला तो माँ ने भी रास्ता बदल दिया और दूसरे रास्ते पे मैया खड़ी हो गई कि अब तो पहचानेंगे। श्री राम जी इनका एक बार मैंने चेतावनी दे दी, नहीं मानी, चलो एक बार और चांस देता हूँ। तो श्री राम जी ने वो चांस भी दे दिया, लेकिन माता सती तब भी नहीं समझ पाई और श्री राम जी ने वो रास्ता छोड़ करके तीसरे रास्ते पर चलने लग गए। मन में बार बार कह रहे कि मैं दूर से ही आपको पहचान गया हूँ, मेरे पास में आने में आपका कल्याण नहीं है, इसलिए देवी आप जल्दी से यहाँ से चली जाओ। लेकिन माँ उल्टा सोच रही है कि इनकी ये कुछ ज्यादा ही वियोग में डूबे हुए हैं तो मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं। तो माँ भी तीसरे रास्ते पर खड़ी हो गई। तो श्री राम जी ने कहा कि दो बार मुझे चेतावनी देना था सो मैं दे चुका हूँ, अब मैं तीसरी बार चेतावनी नहीं देता हूँ। श्री राम जी का तो जो होना से होगा से श्री राम जी तुरंत पास में आए और पास में आने से पहले श्री राम जी ने दोनों हाथ जोड़ लिए हैं। क्यों? क्योंकि श्री राघव ने सोचा कि परीक्षा लेने वाला गुरु होता है और गुरु के सामने दोनों हाथ जोड़ करके शिष्य को जाना पड़ता है, तो ये परीक्षा लेने आ रही है गुरु है तो गुरु के सामने मुझे दोनों हाथ जोड़ने पड़ेंगे। तो इसीलिए माता सती दोनों हाथ जोड़ करके सामने, श्री राम जी दोनों हाथ जोड़ करके माता सती के सामने प्रकट सामने आ गए हैं। और माता सती के बोलने से पहले श्री राम जी ने कहा कि देवी आप अकेली अकेली कहाँ घूम रही हो, भगवान श्री वृषभ केतु महादेव जी कहाँ है? यह सुनते ही माता सती का चेहरा पसीना से भर जाता है कि हे भगवान, ये तो साक्षात भगवान निकले, ये तो साक्षात ईश्वर है, पर नाटक इस तरह कर रहे थे कि पता ही नहीं चल रहा था कि ईश्वर है भी कि नहीं है, पर ये तो सही में भगवान निकले। और माँ घबरा रही है। श्री राम जी ने इस शब्द में ये कहा था कि आप अकेली कहाँ घूम रही हो, भगवान वृषभ केतु कहाँ है? इस शब्द में श्री राम जी ने उलाना भी दिया है कि मैया आप जगत की जननी हो, जगत की माँ हो, और आप जानती हो कि अभी अभी इस आश्रम में, इस जंगल में अभी ताजी घटना घटी है कि सीता ने अकेले रहने का की जिद की थी तो रावण आकर के उनका हरण करके चला गया है, तो ये वही दंडकारण्य, अभी तो मैं रो ही रहा हूँ, मेरा रोना ही पूरा नहीं हुआ है और आपने वही गलती कर दी। अकेले रहने के लायक जंगल नहीं है तो आप अकेले भ्रमण करने आ गई हो, तो आपका जीवन सुरक्षित नहीं है मैया, क्योंकि सीता ने भी वही गलती की थी और आपने भी वही गलती कर दी है। लेकिन मैया इन शब्दों को समझ नहीं पाई और श्री राम जी ने बार बार कहा, पूछा कि भगवान शिव जी कहाँ है? सती माँ तो घबरा गई, वो तुरंत दौड़ करके यहाँ से आगे आगे चली गई, मन में सोच रही कि प्रभु कैसे ये गजब की एक्टिंग करते हैं, गजब की इनकी माया है, ये कैसे मुझे पहचान गए। और आगे जा करके चक्कर आ गए मैया को और माँ ने सोचा कि नीचे बैठने में भलाई है, तो बीच रास्ते में श्री माँ सती बैठ जाती है कि अब मुझे मेरे से आगे भागते बंदा में बन नहीं रहा है। और मैया जैसे आग बंद करके नीचे बैठी रास्ते में, तो उसी समय श्री राम जी ने कहा कि अब जो भी गड़बड़ इनसे होना थी सो तो हो ही गई है, लेकिन मैं अपने संपूर्ण ऐश्वर्य का दर्शन उनको करवा दूं ताकि अगले जन्म में कोई इस तरह की गड़बड़ी ना हो, ये मुझे ना पहचाने ऐसा ना हो। तो माँ ने जैसे बीच रास्ते से उठ करके आंख खोली और जैसे चारों तरफ देखा तो श्री राम जी ने ऐसा दृश्य पेश किया है कि श्री सीता राम जी युगल सरकार सिंहासन में विराजमान है और जहां जहां पर भी श्री सीता राम जी विराजमान है कोई देवता लोग चवर डुला रहा है, कोई पूजा कर रहा है, कोई आरती उतार रहा है, कोई क्या कर रहा है, और महादेव जी भी पास में बैठे हुए हैं।